बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। बदमाशों से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चला है। जिस तरह से मेरठ के जागृति विहार स्थित भागमल ज्वेलर्स के शोरूम को लूट लिया गया, उससे तो कम से कम यही साबित हो रहा है। बीते दिवस जंग लगे तमंचे बरामद कर पुलिस अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है और बदमाश इतना बेखौफ हो चले हैं कि पहचान लिए जाने की बात सुनकर उन्होंने सर्राफ के जवान बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। 10 लाख रुपए नगद व 5 किलो चांदी लूटकर बदमाश बेखौफ होकर भाग निकले। मौके पर पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एसपी क्राइम राम अर्ज से उन्होंने भीड़ के बीच सवाल किया कि ऐसा ही सपा व बसपा सरकार में होता था, अब वह क्या जवाब दें व्यापारियों को। उन्होंने कहा कि बदमाशों को राम या यमराज या फिर प्रदेश छोड़कर जाना होगा। उधर शास्त्री नगर जागृति विहार व्यापार संघ के महामंत्री जितेंद्र अग्रवाल ने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर कल कार्यकारिणी बैठक बुलाने व बैठक में बाजार बंद करने के बारे में निर्णय लेने की भी बात कही है। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता का कहना है कि अनलॉक होने के बाद घटनाएं होनी है, यह जग जाहिर है। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, इससे बड़ी घटना व्यापारी के साथ नहीं हुई है। इसमें मेडिकल थाना प्रभारी कुलदीप की लापरवाही भी सामने आई है। 10 बार फोन करने के बावजूद उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर 48 घंटे में इस घटना से पर्दा नहीं उठा तो व्यापारी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। संयुक्त व्यापार संघ के ही अध्यक्ष अजय गुप्ता ने थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए तत्काल निलंबित करने की मांग की। हम लोगों का सबके नंबर, आप लोगों की मुलाकात हो ना हो सबके नंबर है। मैं तो कोई भी अच्छा हम आप ठीक कर रहे हैं। एक बात और बता दें मैडम आपको, हमारी ये सूचना पे हम लोग, मेरी तो कम से कम ये नेचर में है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अधिकारियों से या थानेदार से पूछने पे एक्चुअल मैटर है क्या। कोई अगर कोई बात ऐसी है कि अधिकारी कोई खड़े हैं उनके सामने नहीं लग रहा थी थोड़ी देर बाद, हमारा यही कहना मैडम, यही हमें यही कहा हमने कि वापसी फोन आ जाए, पुलिस का वापसी फोन आना ही आना चाहिए। कह रहे हैं एसओ को इन्होंने 8 फोन दिए। मैं वो नहीं जानती, मेरा खुद नहीं था। ऐसे आलू थानेदारी फोन आपने व्यापारियों ने कल बड़ी होशियारी से पुलिस अपनी सतर्कता मारी थी, तब एक दिन में इतना बड़ा काम कर दिया। ये कोई जो गोली मार के गए इसके पास कोई लाइसेंस या हथियार नहीं होगा। कल पुलिस अपने पीठ थक तमारी साहब, हमने 1 घंटे में 2 घंटे में बड़ा चमत्कार। 240 केस को होने से बचाया। मेरी बात मैडम आप सही है, देखिए वो विषय नहीं है, हमारा एक केस हो गया वो 240 बेकार है। हमारा बेकार की बात कर रहे हैं, हमारा बेकार है। हमारा 21 साल का बालक चला गया, हमारे लिए बेकार है। आप 2400 पकड़ लो, आप 24,000 लोग पकड़ लो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आप एक आदमी को मरने से बचाओ, उससे फर्क पड़ता है। क्या बात कर रहे हो आप, क्या हुआ कि आपने कल 240 रुकने से नहीं फर्क पड़ा। मैडम हम कहते हैं 24,000 पकड़ लो, एक आदमी को मरने से रोको तब फर्क पड़ता है। सर आप कह रहे थे जान बच जाए, क्या बात कर दी आपने। नहीं मैडम ये गलत बात है, मैडम आप हमारे लिए बेटी बहन बराबर है, ये गलत बात है आपकी। आप 400 पकड़ो, 2400 पकड़ो, उससे हमें नहीं फर्क पड़ेगा। हम लोगों को फर्क पड़ेगा, आदमी आदमी को ना मरने से सबसे फर्क पड़ेगा। अब रात करेंगे, ऐसी टीम बुलाएं जो सुने कर। आप लोग प्रयास करेंगे तभी हम लोगों को ढूंढने तो सुकून मिलेगा। आप लोगों के प्रयास से हमें सुकून मिलता है। सुनने कोई चीज नहीं हुआ करती, आपके प्रयासों से समाज है, अपराध भी होगा, पुलिस पकड़ेगी भी, सब कुछ काम करेगी। हमारा सिर्फ देखिए आप अभी मैडम ने कहा के एसओ मेडिकल ने उनका फोन नहीं उठाया, तो इससे ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी का हमको पचार डालना है जो अधिकारी का फोन नहीं उठा रहा। हमारा कहना है कि आप लोगों के अधिकार में ना बात करिए अभी कप्तान साहब से उनके बारे में, ऐसे ऐसे थानेदार के बारे में बात कीजिए। तो इस पर हम काम करते हैं, ठीक है।
आज दोपहर जागृति विहार सेक्टर 2 स्थित भागमल ज्वेलर्स के शोरूम में घुसकर बदमाशों ने 10 लाख रुपए नकद व 5 किलो चांदी लूट ली। पहचाने जाने की चेतावनी पर बदमाशों ने सर्राफ के नौजवान बेटे अमन जैन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की खासी लापरवाही सामने आई। थानेदार कुलदीप को करीब 10 फोन किए गए, लेकिन उन्होंने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। सीओ ने भी फोन किया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत कुमार शारदा ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का जमकर आड़े हाथ लिया। यहाँ मेडिकल पुलिस क्या कर रही है? और 3 घंटे हो गए होने को, 3 घंटे में हम कहाँ तक पहुँचे? हम 3 घंटे में क्या क्या स्थिति है? क्या जवाब देंगे इन व्यापारियों को? हम अब क्या जवाब देंगे? हम ये जवाब देंगे कि सपा सरकार में होता था, बसपा सरकार में होता था, हमारी सरकार में हमारा व्यापारी। इस बारे में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता का कहना है कि लापरवाह थानेदार के कारण घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा, बल्कि इससे इजाफा ही होगा। आज दिन दहाड़े जिस प्रकार जागृति विहार थाना मेडिकल क्षेत्र में अमन एक युवा व्यापारी की साथ लूट और उसकी हत्या का अपराध हुआ है, यह बहुत ही दुखद घटना है और पूर्ण रूप से इसमें एसओ मेडिकल की भूमिका की जांच होनी चाहिए और जो लापरवाही उन्होंने की है वहाँ के अध्यक्ष केपी सिंह ने उनको लगभग घटना के बाद लगभग 10 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं जब मौके पर पहुँचा तो मैंने इस बात की शिकायत दर्ज कराई और वहाँ सीओ सिविल लाइन ने स्वयं इस बात को कबूल किया कि उन्होंने आपका ही नहीं मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया। और ऐसे लापरवाह थानेदार का वहाँ बना रहना क्षेत्र की जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता है और जिस तरीके से अपराध हुआ है ये निश्चित तौर पे व्यापारियों में भय फैलाने का तरीका बनाया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन और शासन से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए मेरा ये मानना है कि थानेदार को तत्काल वहाँ से निलंबित किया जाए और इस सारी घटना को शीघ्र अतिशीघ्र खोल कर इसका जो है पूरी घटना पूरी तरह से खोली जाए और अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शास्त्री नगर जागृति विहार व्यापार संघ के महामंत्री जितेंद्र अग्रवाल ने आने वाले कल कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। मैं शास्त्री नगर जागृति विहार व्यापार संघ का महामंत्री जितेंद्र अग्रवाल, जो ये घटना जागृति विहार में भगत सिंह ज्वेलर्स पर हुई है, ये बहुत दुखद घटना हुई है। इसके लिए हम लोगों ने कल मीटिंग बुलाएंगे कार्यकारिणी की और मीटिंग बुला के ये तय करेंगे कि भी क्या किया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल आग बंद करके बैठ गया है। हमें व्यापारियों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।